तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। हम लोग आज बात करने वाले हैं कि हम लोग छोटे क्रिएटर के, छोटे यूट्यूबर के चैनल पे व्यू क्यों नहीं आते, लोग हम लोगों के थंबनेल पर क्लिक क्यों नहीं करते। हम लोग इसी के बारे में, आज तीन टिप्स के बारे में बात करने वाले हैं फ्रेंड। मैं बादल, आप देख रहे हैं टेक्निकल बादल, नो फेक ओनली टेक। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय के बाद। देखिए फ्रेंड, फर्स्ट टिप्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए हम लोग क्या करते हैं यार, छोटे क्रिएटर क्या करते हैं, जो नए नए यूट्यूबर होते हैं वो क्या करते हैं कि देखिए, जो इंट्रो लगा देते हैं, आउट्रो लगाते हैं उससे। देखिए इंट्रो आउट्रो करने का मतलब अपने चैनल के लोगों को, जब नए नए लोग यूट्यूबर होते हैं, छोटे जैसे इंट्रो लगा दिया, आउट्रो लगा दिया, 30-35 सेकंड का वो हो गया, फिर लास्ट में 30-35 सेकंड का हो गया, यानी एक मिनट का यार इंट्रो आउट्रो लगाने के बाद 4-5-6 मिनट का आपका वीडियो होगा। ठीक है, तो जो आएगा आपका वीडियो देखने, मेरे बात को दिल से समझिएगा, दिमाग से नहीं। देखिए इंट्रो आउट्रो आप लगाएं, एक मिनट तो उसी में चला गया यार। अब अच्छा, बड़े यूट्यूबर को किसी को देखें इंट्रो आउट्रो लगाते हुए नहीं, इसी से समझ जाइएगा। मैं भी अब नहीं लगाता हूँ, पहले लगाता था बट उसको सब डिलीट कर दिया मैंने। देखिए फिर तो आपको इंट्रो आउट्रो नहीं लगाना है, सबसे बड़ी गलती होती है कि इंट्रो आउट्रो लगाना। हाँ, बड़े हो जाए तो लगा सकते हैं, बड़े यूट्यूबर हो जाए तो यार, ऐसे भी उन लोगों का वीडियो लोग देखता है। जब हम लोगों का वीडियो नहीं देखता, हम लोगों का जैसे देखिए कोई कोई व्यूअर क्यों आता है हम लोगों के वीडियो पर, या किसी यूट्यूबर के वीडियो पर क्यों आता है, जो चीज़ उसको चाहिए, जो कंटेंट उस कंटेंट के लिए, वो कंटेंट के लिए आया। पहले हम लोग इंट्रो आउट्रो देगा, ऐसे भी वो कुछ देखता नहीं है, इंट्रो आउट्रो को भगा देता है। तो जब लोग भगा देता है, जिस चीज़ को देख ही नहीं रहा, उस चीज़ को हम क्या देंगे यार वीडियो में। फर्स्ट गलती ये है, एक मिनट बढ़ जाता है। और कोई यूट्यूबर का जैसे देखिए, जैसे सर्च किया, तीन चार उसके पास तो 10 वीडियो आ जाएगा, क्योंकि आप जिस टॉपिक बनाए उस पर करोड़ों वीडियो बन चुका है। ठीक है, तो वहाँ पे आया बहुत सारा, एक को दिखा 2 मिनट का वीडियो, एक का दिखा 6 मिनट का, 4 मिनट का वीडियो, 2 मिनट वाले पे क्लिक करेगा, क्योंकि सबको जल्दी है, किसी को ज़्यादा वीडियो देखने की जल्दी नहीं है, तो आपका वीडियो नहीं देखेगा, उसका वीडियो देखेगा। ठीक है, तो ये गलती ना करें। बोलते हैं सेकंड टिप्स की ओर, सेकंड गलतियाँ क्यों, जो हम लोग गलतियाँ करते हैं। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं कि थंबनेल पे कुछ और, टाइटल में कुछ और वीडियो में कुछ और, या डिस्क्रिप्शन का तो बात ही छोड़ दीजिए। थंबनेल में लिख देते हैं, किसी यूट्यूबर को बोलते हैं, सुन लेते हैं बड़े यूट्यूबर, क्लिक बैट करो, थंबनेल पे कुछ लिखो और वीडियो में कुछ डालो, तो क्लिक करेगा वीडियो पे, देखेगा नहीं, भाग जाएगा। ठीक है, 10 आप लिखेगा कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, डालिएगा अमेरिका के बारे में, कोई नहीं देखने वाला है। ठीक है, टच करेगा उस पर जरूर बट देखेगा नहीं, चला जाएगा। तो आपका एनालिसिस में व्यू कम जाएगा, करने का मतलब रेटिंग कम जाएगा, यूट्यूब आपका जो वीडियो हो वो लोगों के पास भेजना कम कर देगा। ठीक है, तो ये दूसरा टिप्स है, जो गलती ना करे, जो वीडियो पर हो, जो थंबनेल पर हो, वही वीडियो में होना चाहिए। क्लिक बैट, थोड़ा सा मसाला डालो यार, ज़्यादा डालने की मसाला क्या जरूरी है, कि यार पूरा मसाला डाल दिया कि जो मतलब वीडियो और थंबनेल अलग है, टाइटल अलग है, नहीं, थंबनेल पर जो हो, देखिए थंबनेल और वीडियो, थंबनेल और टाइटल में कहानी बनाना चाहिए। कहने का मतलब पूरा स्क्रिप्ट नहीं लिख देना है जो हम बता रहे हैं वो, नहीं, कहानी कहने का मतलब है फ्रेंड कि देखिए उस पर ऐसा चीज़ आप कीजिए कि लगे कि हाँ, जैसे मेरे थंबनेल को आप देखे होंगे, उसके बाद जो मैं बता रहा हूँ डायरेक्ट वही चीज़ मैं बता रहा हूँ, अलग से बकवास नहीं कर रहा, अलग से चीज़ नहीं बता रहा हूँ, वही चीज़ बता रहा हूँ, आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, तो थंबनेल पर जो हो वही इस पर भी होना चाहिए, और थंबनेल अच्छा होना चाहिए। पिक्सल लैब से आप बना सकते हैं, अगर पिक्सल लैब नहीं चलाना आता, अगर अच्छा थंबनेल नहीं बनाना, तो आप कॉमेंट कीजिए, मैं जरूर बताऊँगा। बढ़ते हैं फ्रेंड थर्ड टिप्स की ओर। देखिए हम लोग क्या करते हैं यार, जो छोटे यूट्यूबर होते हैं, या कोई भी, हम जो मैंने फर्स्ट टिप्स में बताया, फर्स्ट कमियां बताया कि कम मिनट का वीडियो होना चाहिए, इंट्रो आउट्रो नहीं होना चाहिए। देखिए इसमें भी एक चीज़ और है, देखिए फ्रेंड क्या करना है, छोटे यूट्यूबर अगर हैं तो 5 मिनट से कम का वीडियो बनाइए। ठीक है, 5 मिनट से, 6 मिनट से ज़्यादा, कल मेरा भी वीडियो यार 8 मिनट का हो गया, चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है, लेकिन आप 6 से 7 मिनट तक वीडियो रखिए, यानी कि 15 मिनट बना दिए, कौन देखेगा यार, पे व्यू है ये नहीं है, कोई नहीं देखेगा। ठीक है, आप ही तो नहीं ना, 15,000 जैसे ही खोलेगा, सर्च करेगा, वो चीज़ बढ़ाता जाएगा, वो वीडियो आता जाएगा, वही चीज़ का वीडियो आता जाता है, कौन देखेगा आपका व्यू, जिस पर व्यू सब्सक्राइब जाता है उसी को लोग देखता है। कम मिनट का वीडियो आपका रहेगा तो लोग आज करेगा, हाँ ये नहीं भी, ये भी नहीं कि कम, हम बोले कम मिनट का वीडियो, आप किसी चीज़ के बारे में लंबा चीज़ है, आप 1 मिनट का वीडियो बना कर डाल दिए, उससे भी फायदा नहीं, उसमें आप 1 मिनट में क्या क्या बोल दीजिएगा, कम से कम 2 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 6 मिनट 5 मिनट का वीडियो होना चाहिए, छोटे क्रिएटर के लिए, बड़े क्रिएटर के लिए नहीं, तो लोग देखते हैं वीडियो को, मतलब अच्छा लगता है वो। देखिए लास्ट में जाते जाते ये जरूर बोलिए कि ठीक है फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगा तो दिल से लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए, जिनको भी ये चीज़ का उपयोगी हो। हाँ, मैं भी ये बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा वीडियो लंबा हो जाएगा, चलते आप भी अपने वीडियो में लिखिए, मतलब बोलिए, मैं भी ये बोलते हुए अपने जाऊँगा। तो
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, तीन कमियां सारे लोग में होते हैं, मेरे में भी था, मैंने अपना ये कमियों को कुछ दूर करने का प्रयास किया। अगर कमियां मेरा नहीं दूर, कमेंट करके आप बताएं, मैं अपने कमी को दूर बहुत करने का प्रयास करूंगा और मेरे साथ साथ आपके कमी को भी मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। फ्रेंड देखिए, तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नया है तो, और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। जो भी यूट्यूबर है यार, हेल्प करने में कोई दिक्कत की बात नहीं होती है, आप एक को हेल्प कीजिएगा, आपका भी कोई हेल्प करेगा, जैसे मैं कर रहा हूँ, और कोई आपका हेल्प करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट कर जरूर बताएगा अगला वीडियो आप किस चीज़ के बारे में चाहते हैं, ठीक है फ्रेंड। और मेरा बहुत मोबाइल की रिव्यू, अनबॉक्सिंग और यूट्यूब से न्यू अपडेट और यूट्यूब कैसे ग्रोथ का ऐसा वीडियो दिया हुआ है। आप अगर ऐसा और वीडियो चाहते हैं किसी चीज़ का तो कमेंट करके बताएं, मैं जरूर बताऊंगा। कमेंट में आपसे बात करने के लिए मैं आ रहा हूं। अब जब भी वीडियो देखें तब कमेंट करें, मैं जरूर कमेंट पढ़ूंगा यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू ऑल। खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए।